आज हम जा रहे हैं किधर? स्कूल एडमिशन करवाने। यस। एक बेबी तो आ भी गया टेस्ट दे के। इधर ये अच्छे लगे हैं, ये वाले सही है ना? ये वाली और उसकी वजह है जी आज हम जा रहे हैं किधर? स्कूल एडमिशन करवाने। तो चले जी, अभी सुबह सुबह जो है ना, हम लोग रेडी शेडी होके और फटाफट हम रेडी हुए घूमने का। सबसे पहले जो है वो स्कूल जाना है। और आज जो है ना वो फुल ऑन बारिश लगी हुई है। ये चेक करें जी, बहुत ही मज़े का मौसम हुआ है, बारिश हो रही है। लेकिन बस जो है ना, आज हमने जाना था तो आज जो है वो सही बारिश लगी हुई है। रात की लगी हुई है बल्कि। अच्छा तो मौसम बहुत हो रहा है, लेकिन ये है कि हमें आने जाने में ना ज़रा वो ज़ाहिर है वो कीचड़ हो जाता है। बच्चे ये इनको ही मैंने रेडी किया माशाल्लाह। ये देखिए जी, दोनों रेडी हैं। हेलो हेलो खोया हुआ कहीं। तो बस जी, कल जो है ना हम इनकी स्कूल की तैयारी शैरी करते रहे कि इनके जो है वो सबसे पहले कटिंग करवानी थी, वो करवाई, फिर नहाए धोए, वो तो हम खैर करते रहते हैं, लेकिन कुछ पेपर्स वगैरह थे वो इकट्ठे करने थे, पिक्चर्स बनवानी थी इनकी जो है वो किया। कल हम सारे वो काम करते रहे तो उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी। लेकिन आज जो है ना, हमने कहा चलो आज हमने स्कूल जाना है, स्कूल जाके एडमिशन वगैरह करवाते हैं, फिर हमने इनकी चीज़ें भी लेनी है, बुक्स, यूनिफॉर्म, ये वो। कल गए थे ना हम पिक्चर्स बनवाने, याद है? तो बस जी, उधर गए थे और अभी हम जा रहे हैं स्कूल। तो बस अल्लाह करे अच्छे से एडमिशन हो जाए। आयुष्मान का तो हो सकता है थोड़ा सा अटैच भी होगा, रवि का भी होगा आई थिंक। तो इसे मैंने कहा है कि थोड़ी सी जो है वो प्रिपरेशन कर लो, थोड़ा सा रिवाइज सा कर लो, क्योंकि वो ज़ाहिर है असेसमेंट लेंगे अभी। तो बस पहले खैर दिल एक बार पता करा चुके हैं, बस अभी हम जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके और जाके एडमिशन करवाएंगे। ठीक है जी। और अभी अदील जो है वो गए हुए, कुछ उन्होंने फोटो कॉपीज़ वगैरह करवाई थी, उसके बाद फिर हम जो है वो सीधा जा रहे हैं जी स्कूल। फिर स्कूल जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। चले जी, हम लोग पहुँच गए इधर स्कूल में, अब वेट कर रहे हैं, वेटिंग एरिया में बैठे हैं। ये जनाब साहब सारे वेटिंग एरिया में हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी वो कुछ पेरेंट्स अंदर गए हुए हैं, हम दोनों ऑलरेडी एक मीटिंग कर रहे हैं। चलो जी, ये तो मीटिंग कर रहे हैं। वो देखो, और देखो लाइब्रेरी में इतने ज्यादा बुक्स हैं, उससे भी ज्यादा बुक्स होंगी। इमेजिन करो, ये तो बस एक। कैसा लगा आप लोगों को स्कूल? अच्छा है। नाइस है। पर अभी स्विमिंग पूल नहीं नजर आया। ये भी कह रहे हो स्विमिंग पूल की तरह? वो वीडियो थी ना स्कूल के टूर की, तो उसमें था, तो वो बताया था मैंने। देखा भी था यार, वो ऊपर है, बहुत ऊपर है। मुझे बस पता नहीं वो है भी या नहीं, अभी ओपन भी आई है। जब ओपन हुआ था स्कूल तब तो समझ में आता होगा वैसे। हाँ, जब हमारे लिए नीचे लाइन लेंगे फिर हम स्विम करेंगे। हम पूछ लेंगे टीचर से, हम कर सकते हैं इसमें, वैसे भी उसमें पानी ना हो। स्प्लैश करूंगा। आपको स्विम नहीं करना आता, मुझे भी नहीं करना आता था। चलो स्विमिंग क्लासेस ले लेंगे। नहीं मैं नहीं होता, मैं स्विमिंग ले लेंगे अगर हुई यहाँ पे। ओए, मैंने बस वो मजाक के लिए बोला था, सच में होते हाँ। ये जी, हमने आयुष्मान की कटिंग करवाई, कटिंग करवाई आयुष्मान की। हमने थोड़ी जो है वो डैडी को पसंद है जी लंबे बाल, तो ये हमने कल कटिंग करवाई है। तो देखो ना, बस मुंह ना इसका सीधा बोल। हाँ, इसके तो छोटे करवा दिए क्योंकि इसको तो प्रॉब्लम है, फिर सर में जो है ना इसको दाने निकल आते हैं, तो इसके तो हमने छोटे छोटे करवा दिए। तो दीप को काफ़ी शौक था इसके जो है ना बाल बड़े रखने का, तो अब कहते हैं कि इतने लंबे हुए वैसे गर्मियों में, तो अब मैंने छोटे नहीं करवाने। मैंने
लंबे रखने हैं। आगे वैसे सर्दी आ जाएंगी तो मैं कहा चलो रख लेते हैं, देख लेते हैं, अभी तो स्कूल जाएंगे तो इनके जो हाल खराब हुए होंगे ना बालों के वापस आएंगे तो पसीने से। हाँ जी आशमान का खुद भी नहीं था दिल कटवाने का, है ना आशमान? ये कहता है क्या कटिंग करने जा रहे हैं? नहीं मेरे छोटे बाल नहीं कराने। ओए देखना जी यार अरे जी मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, बच्चे जो है वो टेस्ट देने गए हुए थे और मेरा एक बेबी तो आ भी गया टेस्ट दे के। इधर क्या पूछा था टीचर ने? क्या पूछा था? हाँ आपसे क्या पूछा था टीचर ने? करो काम। काम करो? क्या काम किया था आपने? अल्फाबेट। हाँ हाँ और एनिमल्स। अच्छा लिखा था, बनाया था? हाँ जी कलर से भी और ड्राइंग से भी। अच्छा वाह जी पेंसिल से भी। पेंसिल से भी सही। चलो भाई अशमान तो गया है, अब पता नहीं वो क्या करके आता है। तो अदी जो है वो ऑफिस चले गए, उन्हें ऑफिस जाना था, वो मैंने कहा चले मैं यहाँ पर वेट करती हूँ बच्चे क्योंकि वो टेस्ट दे रहे हैं। दिल्ली की तो चले गए ऑफिस। ऑफिस या टीचर अच्छी थी? ये थी जो भी आई आपके साथ, ये आपके साथ थी जो भी आई थी? हाँ जी। गर्मी लगी है वॉश करने हैंड्स। ओके चले जी हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे। अर्शमान भी टेस्ट दे के आ गया और कहता बड़ा अच्छा हुआ और थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, मैं इसको देखने गई थी, मैंने कहा बड़ा टाइम लगा दिया किधर गया, तो फिर आगे बैठा हुआ था कुछ थोड़ा सा कह रही थी टीचर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है मैंने कहा कंफ्यूज तो फिर वही था, लेकिन बड़ा वैसे बड़ा ठीक था। और जैवी ने तो बड़ा इंजॉय किया अपनी क्लास में गया है और अपने टीचर से मिल के बड़ा खुश कहता मैंने बड़ा एक्साइटेड है, तो बड़े अच्छा लगा इनको स्कूल भी और सब कुछ, तो बच्चे भी अब सही हैं। तो बस अब हम जो है ना स्कूल से माशाल्लाह से एडमिशन वगैरह हो गया है सब, और अब हम जो है जा रहे हैं बुक्स लेने, यूनिफॉर्म लेने और ये सब पूछना। तो जैवी का यूनिफॉर्म का थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि वो ना थोड़ा मोटा है, तो जैवी मोटा यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, तो इसका शायद ना मैं कपड़ा लेके तो सिलवाऊँ, वो मुझे टीचर ने बताया, वो मैं ना उनसे ही देखती हूँ, जावेयर की टीचर है ना उसी से ही पूछती हूँ। जावेयर की टीचर है उसने बताया मुझे कि टेलर से जो है वो आप स्टिच करवा लें इसका, ताकि वो पतले कपड़े में इसको ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पता ना ये नहीं ज़्यादा पहन सकता इसको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो खैर इस वजह से मैंने इसका हो सकता है स्टिच करवाना पड़े, लेकिन अरशमान का हम लेंगे और बुक्स वगैरह लेते हैं जाते हैं। बस हमें इतना टाइम हो गया स्कूल में, हम सुबह आए थे 10 बजे और जो है ना अभी हो गए जी 2 बज गए सुबह के, हम उधर ही थे, इन्होंने पहले टाइम लगा दिया, फिर जाहिर है मैं प्रिंसिपल से मिली, सब टीचर से मिली, सब कुछ करते करते तो इतना टाइम हो गया, अभी तो चले गए थे ऑफिस, तो अभी वापस आए हैं, तो बस अब हम चीज़ें शीज़ें लेके फिर जाते हैं घर। और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश तो रुक गई है लेकिन ठंडा ठंडा है, लेकिन अंदर हब सुई भी है, बाहर अच्छा है ना क्योंकि अंदर 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 बिल्डिंग बनी हुई है, गया तो वहां पे तो गर्मी थी, मेरे सिंक में तो है, हां अंदर हब सो गई है और बाहर अच्छा मौसम हो गया है। ये कैसी लग रही? सही है ना ये वाली? ये तो कह रहा है ये रख दो मुझे नहीं चाहिए, वो बाकी और बड़ा कुछ उठा के बैठ गया। चलो जी हम लोग घर आ गए थे और बच्चों की बुक्स शुक्स सारी मिल गई, पहले तो उन्होंने कहा कि अवेलेबल नहीं है मंगवानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद जो है वो सारी बुक्स मिल गई और सब बुक्स शुक्स हम सब कुछ ले आए भाई। और ये देखें जी ये
कुछ तो बुक्स हमने ली और कुछ हमने बिला वजह फजूल की हमने खर्ची की। फजूल की खर्ची नहीं हुई, मेरा बेटा तो खैर बहुत सारी चीज़ें बनाता है और ये बड़ा कुछ बना रहा है यहाँ पे बैठ के। ये चेक करें जी, ये कुछ बन रहा है, पेंटिंग हो रही है यहाँ पे, आर्टिस्ट साहब बैठ चुके हैं, बहुत प्यारा बना रहे हैं आप। और ये हम बहुत सी चीज़ें लेकर आए हैं, ये चेक करें, ये हम लाए हैं, हम ये ग्लू भी लाए हैं जी, हमें कुछ जोड़ना पड़ जाए अगर तो, साथ ये भी हैं, पेंट्स हैं, और ये तो हमें फर्स्ट डे का स्कूल से मिला था है। और यहाँ पे मेरा बेटा पूरा आर्टिस्ट बना बैठा है और बहुत से काम हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कर लो और मैं जो है ना आप जल्दी से इनको कुछ खाने पीने को दूँ क्योंकि अब इनको भूख लगी होगी और मुझे भी बहुत सख्त भूख लगी है। अदील चले गए हैं जी दोबारा से ऑफिस, ऑफिस में काम आ गया था हमें, उन्होंने ड्रॉप किया और फटाफट ऑफिस भाग गए। ठीक है जी, अब मैं इनको जो है वो जल्दी से खाना पीना दे दूँ, अपना मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाना है क्योंकि मेरी फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल ही लो है। सही है, मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाती हूँ। और ये देखिए सब ऐसे ही सुबह छोड़ के, नाश्ते वाश्ते के बर्तन शर्तन सब कुछ ऐसे छोड़ के चले गए थे हम लोग, और क्योंकि सुबह सुबह जाना था। अब काम शाम करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे लाइट नहीं टाई, लाइट नहीं टाई, पड़ी हुई है, लाइट नहीं टाई जी, मैं चले जी। अभी हम लोग जो है वो यूनिफॉर्म लेने आए थे और फाइनली अशमान का यूनिफॉर्म मिल गया है, लेकिन जैवी का यूनिफॉर्म जो है वो अभी नहीं मिला है, वो ख़त्म हो गया हुआ था और साइज़ ही नहीं थे। और वैसे भी जो इसका यूनिफॉर्म है ना वो काफ़ी मोटा है, तो मुझे जो है वो इसका वो वाला यूनिफॉर्म नहीं, मैं ले सकती, इसको नहीं पहना सकती क्योंकि इसको जो स्किन की प्रॉब्लम है जो इसको है वो एक्जिमा वगैरह वो फिर बहुत सीवियर हो जाता है गर्मी की वजह से, तो वो बहुत मोटा है। तो इसके जो स्पोर्ट्स वाला है ना, अभी मैं गई थी, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इसका ना स्टिच करवा लूँगी, लेकिन मैं जब गई हूँ उधर शॉप पे तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स वाला भी दिखाया जो इसका स्पोर्ट्स में है ना, तो वो थोड़ा सा पतला कपड़ा है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि वो ले लूँ। वो उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप ये वाला ले लें, ये अच्छा है और पतला भी है तो स्कूल के उस लिहाज से चल भी जाएगा, तो मुझे सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही वाला ले लूँगी। लेकिन अभी ना वो ख़त्म हो गया हुआ था, जो पड़ा हुआ था साइज़ वो बड़ा था और इसको जो है वो काफ़ी बड़ा था, तो इस वजह से अब वो मंगवाएंगे और फिर बताएंगे। तो फिर हम जैवी का यूनिफॉर्म लेने आएंगे। अभी जो है वो अरशमान का मिल गया हुआ है, उनको फुल ऑन मस्ती चढ़ी हुई है, उल्टे काम कर रहे हैं तो जी सही है। बाकी अभी जो है वो अदील गए हुए हैं जी मोची के पास, मोची के पास गए हुए जैवी के शूज़ पॉलिश करवाने के लिए, क्योंकि ना जैवी ने तो इतने शूज़ वो पहने ही नहीं है अपने स्कूल वाले, और वो बिल्कुल अभी न्यू पहने हुए थे, तो पता नहीं ये पहन भी सकता है वो शूज़ या नहीं, क्या पता हमें अभी लेके पैसे ज़ाया करने वाली बात है, शायद इसको दूसरे ही शूज़ पहनाने पड़े, इसलिए हम जो पहले वाले शूज़ हैं उन्हीं को ही पॉलिश करवा रहे हैं, अच्छा सा पॉलिश करवा लेते हैं क्योंकि वो अभी बिल्कुल न्यू ही पड़े हुए हैं, इतने कोई नहीं इतने नहीं हैं ख़राब, वो बिल्कुल न्यू ही है, बहुत कम पहने हैं इसने, तो बस अभी हम वो पॉलिश करवा रहे हैं। शूज हो गए पॉलिश जैवी के, अब मैं घर जाके देखूंगी सही हुए बिल्कुल, तो अब जा रहे हैं हम अरशमान के शूज लेने के लिए। सही है चलें जी, यहाँ पे अभी चेक कर रहे हैं शूज, एक ये अच्छे लगे हैं ये वाले, एक इसका हाँ एक ही अच्छा लग रहा है ना। अच्छा वैसे वो लाइट वेट है और ये हैवी है, जॉगर्स टाइप है, वैसे इतना हैवी नहीं है लेकिन इसका स्टाइल मज़े का है ना। बाकी ये भी मज़े का है लेकिन ये लेसिस वाला है ना, लेसिस वाला तो मुसीबत ही बन जाएगी, ये वैसे मज़े का है अच्छा लेकिन लेसिस वाला वो फिर प्रॉब्लम उसकी। हाँ वाइट भी है, पहना के उसको देखना पड़ेगा साइज़ क्या है, ये 36 है। हाँ जी सही है, लग तो नहीं आते चलो सही है, कंफर्टेबल है। चलो मैं अभी ना गाड़ी से सॉक्स लेकर आई हूँ, उसको सॉक्स पहना के साथ चेक किया तो सही लग रहे हैं, चल के दिखाओ जरा मुझे चलते भी टेढ़ा है ना जनाब चलते भी तो टेढ़ा है सही है। चलो जी ये चेक करें, हमने लिए हैं फ्राइज़ गर्मा गर्म, बड़े मज़े के लग रहे हैं। फ्राइज़ एंड फ्राइज़,
फ्राइज एंड फ्राइज पीछे बच्चों को भी दिए और ये हमारे केचप वाले बहुत गर्म है देख के मेरा दिल आ गया फ्राइज खाने का क्या कर रहे हैं बच्चों बेटा तोड़ो नहीं उसको।